गाय बेटा रुक जा। दीदी गाय कूद गया है। सब लोग नीचे चले जाएंगे। ओके 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 ओके। हाथ दो, सर हाथ दो। मेघा, सर अपने हाथ दो। सब लोग नीचे चले जाएंगे। मेघा आई एम ओके, मेघा आई एम ओके, आई एम ओके मेघा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, रिलैक्स, आई एम ओके, आई एम ओके, कम ऑन, आई लव यू गर्ल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती घर? मेघा रिलैक्स, आई लव यू गर्ल, थैंक्स मेघा मेरी जिंदगी बचाने के लिए। कर बेटा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही छोटी सी चोट लग गई थी। पर बेटा ये चोट लगी कैसे? आंटी वो हम लोग एक लंबी ड्राइव पर गए थे और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? अंदर आओ बेटा। पर बेटा ये तुम लोगों को तो कुछ नहीं लगा ना? तुम सब लोग तो ठीक हो ना बेटा? हाँ, ये हुआ कैसे? अरे रिलैक्स मॉम, कुछ भी नहीं, छोटी सी चोट लगी है। आंटी डोंट वरी, गर्व को कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों को भी कुछ नहीं हुआ, यू डोंट वरी। वैसे तो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक सी, लेकिन वाहेगुरु की कृपा नाल असी सारे बच गए। अब मेघा ने गर्व को बचा लिया। आंटी मेघा ने बहुत हिम्मत दिखाई। आंटी गर्व को बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती थी। इनफैक्ट शी सेव्ड हिज लाइफ। मेघा बेटा, तुमने गर्व की ही नहीं मेरी भी जान बचाई है बेटा। थैंक यू बेटा। आंटी प्लीज थैंक यू मत कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का लेकर आता हूं। नहीं 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 आंटी, हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, दादी परेशान हो रही होंगी, वी शुड लीव नाउ। चलें? टेक केयर डूड, बाय, यू स्टेइंग बैक? या, मिलता हूं मैं। बाय बाय। बाय बाय। गर्व, अपने हाथ का ख्याल रखना। या, आई विल। ठीक है, बाय बाय। बाय। बेटा, मेघा कुछ आज बदली बदली से लग रही है, क्या हो गया उसे? आजकल के बच्चे, इतनी देर हो गई, अभी तक मेघा घर नहीं आई, हाँ, कोई तकाजा ही नहीं वक्त का, हाँ, बाप रे बाप। कहाँ होगी, क्या होगा उसके साथ, कहाँ भटक रही है ये लड़की? मलकिन वो आ जाएगी, आप चिंता ना करें, आप ये दवाई खा लें, दूध पी लें। महाराज जी आप जरा चुप रहेंगे, एक घंटे से यही सुनती आ रही हूँ, दूध पी लीजिए, दवाई लीजिए, दूध पी लीजिए, दवाई लीजिए। मैं यहाँ मेघा के लिए परेशान हूँ और तुम कहते हो दूध पी लो, दूध पी लो। दादी! अरे दादी क्यों चिल्ला रही है महाराज जी को? पता है कितना वक्त हो रहा है? कहाँ थी अब तक? सॉरी लेट हो गया। दादी आप क्यों चिंता करती हैं? अब मैं बहुत बड़ी हो गई। अच्छा, बहुत बड़ी हो चुकी हो। अगर मुझे फिक्र होती है। कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? अभी पी लेती हूँ। अरे दीदी दूध है वो। अरे ये तो कमाल हो गया। आज सूरज किधर से निकला था भाई?
मेघा बिटिया पूरा दूध पी गई। सोहम इधर आओ। जरा बताओ तू, मेघा को हुआ क्या है? दादी आज बहुत कुछ हो गया। क्या? आज बड़े ही फिल्मी अंदाज में, बड़े ही ड्रामाई तरीके से दीदी ने आज वो लड़का ना कर्व उसको बस कही डाला आज बस। क्या? I love you? हाँ, I love you, कही डाला बस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आप जो है मेघा दीदी की शादी की तैयारी कीजिए, शहनाई बजाएं बस। मैं कहाँ देर करवाऊंगी, मेघा और गर्व की शादी तो मैं जल्द से जल्द करवा दूँ। यार सच पूछना तो उर्दू की जबान में ना इस पूरी सिचुएशन को एक सेंटेंस में बयान किया जा सकता है, और वो ये कि ये मामला मजाक से निकलकर संजीदगी की हद में दाखिल हो गया है। तुझे मजाक सूझ रहा है इस वक्त? यार ये मेरी जिंदगी का सवाल है, और अगर तू इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता ना तो प्लीज मजाक मत कर। टेक इट इजी यार, ओए मैं तो तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं यार। रिमझिम आंटी का फोन, एक सेकंड। हेलो, रिमझिम आंटी बोल रहे हैं। आंटी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी, आई थिंक मेघा को सब कुछ सच सच जल्द से जल्द बताना होगा। हम समझ रहे हैं, बात बढ़ती ही जा रही है, आज जो हुआ वो उसके बारे में हमें पता लगा। आंटी आंटी सच कहूँ तो आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मेघा से किस तरह बात करूँ। आंटी मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी जिंदगी का सच झूठ लगने लगा है और झूठ सच लगने लगा है, क्योंकि मैं जितना प्यार ईशा को करता हूँ वो आज झूठ लगने लगा है, और जिस तरह मेघा मुझे प्यार करती है वो सच मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं क्या करूँ आंटी? आंटी इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, आप ही मुझे कुछ बताइए। लगता है हमें मेघा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है आंटी, बाय। चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। हाय। हाय। टायर्ड? या चाय लाऊं? मूड नहीं है यार। तो ठीक है, मूड को ठीक करने के लिए ड्रिंक बना देती हूँ। तान्या, मैंने बहुत सोचा, अविनाश अंकल को ये कह देना कि वो अपना बिजनेस अलग कर ले ठीक नहीं होगा। ओम, हम सब ह्यूमन हैं, और जानते हो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इमोशंस। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, ये सबके साथ होता है, लेकिन ओम आने वाले टाइम इतने टफ आने वाले हैं, इंसान को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगे तो लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाएंगे ओम, भले ही वो तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो। बात इमोशंस की नहीं, बात यहाँ इमोशंस की है ओम। अगर इमोशंस की बात नहीं होती तो इन हालातों में तुम अविनाश अंकल को कभी सपोर्ट नहीं करते। ओम, ओम प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। मेरी ममा और मैं तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं ओम, तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आए ओम, और ये तभी हो सकता है अगर तुम प्रैक्टिकल होकर सोचो। तुम्हें याद है ओम, मैंने और मेरी मामा ने मिलकर कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को ढूंढकर निकाला था जो करप्ट थे,
और जिनसे कंपनी को नुकसान था और तुमने उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो मामूली एम्प्लॉयज थे, लेकिन यहां बात हो रही है कैप्टन ऑफ द शिप की, जिससे शिप को खतरा है। वो मुझे एक बात बताओ, क्या एक ऐसे जहाज को बीच समुंदर में छोड़ा जा सकता है जिसके कैप्टन को शिप चलाना ही नहीं आता? तुम्हारे अविनाश अंकल भी एक ऐसे ही कैप्टन हैं जिन्हें कंपनी चलानी नहीं आती। He is always been a loser in life. वो कभी जिंदगी में किसी कंपनी को अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये सब आता ही नहीं है। और ये कह देना कि अगर कोई नुकसान होगा तो अविनाश अंकल भरेंगे, ये सब कहने की बातें हैं ओम। और जब नुकसान होगा ना तो सिर्फ तुम्हें आगे करके खड़ा कर दिया जाएगा। ओम मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, डोंट गेट इनटू दिस मेस ओम, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम अब रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम रियलाइज करोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जितनी बड़ी बेवकूफी एक लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने की है ना, उससे बड़ी बेवकूफी उसे चीयर करना है, उससे ये उम्मीद करना कि वो रेस जीतेगा, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। रिमझिम, बाबूजी और राकेश भैया चाहते हैं कि मैं वापी वाले फैक्ट्री को फिर से संभालूं। बाबूजी के फैसले को मैं टाल नहीं पाया। उनका ये भी मन है कि मैं वापी वाले फैक्ट्री को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर चलाऊं। मतलब आपने हाँ कर दी। लेकिन मैं इस फैसले से बहुत खुश नहीं हूँ, काफ़ी सारी शंकाएं मेरे मन में। अविनाश प्लीज, आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। सारी शंकाओं को दूर कर दीजिए, हम आपके इस फैसले से बहुत खुश हैं। ये मेरी आखिरी कोशिश है रंजन, अगर इस बार किसी ने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड दैट डे इट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अविनाश। बेटा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलो मां। बेटा हमारी मेगा गर्व को चाहती है और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि गर्व भी मेगा को बहुत चाहता है। अब हमें इस रिश्ते को बढ़ाने में और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, और वैसे भी फैमिली मेंबर्स को इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और रंजू में तो ये चाहती है ना रंजू? रिमझिम को गर्व पसंद नहीं। नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, रिमझिम तो रिमझिम देख लिया, ये माँ है मेघा की, पता नहीं क्या दुश्मनी है उसे अपने ही बेटी की खुशियों से। Everybody, सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। This is not fair, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी आप लोगों के साथ में ब्रेकफास्ट करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ। अरे आओ बेटा आओ। पता है, जब भी पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था ना, सिर्फ तुम्हारी कमी रहती थी। आहा,
आज के बाद ये कमी बिल्कुल नहीं होगी। हमारी मेघा बेटियां बदल रही है ना बेटा? राइट दादाजी। लेट्स वेलकम मेघा। प्लीज हैव अ सीट मैडम। एक और बैठा। मेघा सचमुच कितनी बदल गई है ना, प्यार इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। देखिए तो कितनी खुश लग रही है। लेकिन आप क्यों टेंस्ड हैं? आज वाकई बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर मैं एक और खुशखबरी सारे परिवार वालों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अविनाश फिर से वापी वाली फैक्ट्री का काम संभालेगा। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और फैक्ट्री शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत ही चलेगी और इस कंपनी का एमडी होने के नाते ओम को भी कोई एतराज नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे एतराज है। ये क्या कह रहे हो? अविनाश अंकल अगर नुकसान उठाने की ताकत रखते हैं तो उन्हें कहिए अपना बिजनेस अलग कर। ओम बेटा ये नाना जी, अगर एमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे सौंपी है तो मुझ पे भरोसा कीजिए, मेरे डिसीजंस को एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। अरे पर बेटा नाश्ता ओम ओम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ओम? तुम्हारी और मेरी साफ साफ सारी बात हो गई और तुम मान भी गए, फिर अचानक ये। अंकल मेरा फैसला गलत नहीं है और अगर आपको रिश्तेदारी निभानी है, भाईचारा निभाना है तो घर में निभाइए, बिजनेस में नहीं। ओम भैया, भैया इट्स ओके। अरे नहीं अविनाश, ये गलत बात कर रहा है। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही हूं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अविनाश अंकल अगर इतने कैपेबल होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इनके बस का नहीं है बिजनेस करना, समय बदल चुका है, किसी के सहारे से बिजनेस नहीं होता। अगर ये कैपेबल होते तो इस फैक्ट्री को बिकने से ये खुद रोकते। इन्हें रिमझिम आंटी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट्री को बेचने से बचाने के लिए रिमझिम आंटी का सहारा लिया और अब फैक्ट्री चलाने के लिए आपका और इस कंपनी का सहारा ले रहे हैं। नहीं अंकल नहीं, इतना कमजोर इंसान फैक्ट्री चला नहीं। हाँ उसे डुबा जरूर सकते।